पहले तो ये जो साइबर क्राइम हुआ है उसमें टोटल अपने पास 7 आरोपी हैं, जिसमें से एक फरार हो गया था। वो जो अमोल उसका नाम है, उसके पूर्व के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं अपने पास भोपाल पुलिस के, जिसमें बॉडीली ऑफेंसेस और अड़ीबाजी के केसेस उसके ऊपर अवेलेबल हैं। और ये जब इसकी जुडिशल रिमांड के लिए हम लोगों ने इसको जेल दाखिल कराने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ से ये भाग गया था और इसको हम लोगों ने कल बीती रात में सीहोर से पकड़ा है। दरअसल ये जो अपनी पुलिस की जो जेल दाखिल करने के लिए वाली गाड़ी जा रही थी, उसमें से ये हाथ छुड़ाकर और जो हथकड़ी है उससे हाथ निकाल कर वहाँ पर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी हुई थी, वहाँ से भाग गया था। और हम लोगों ने तमाम आसपास के फुटेज और जितने भी अपने टेक्निकल टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए इसको सीहोर से दस्तयाब किया है। क्या इसका भाई इसको स्कूटी पे इसका पीछा कर रहा था, किस तरह इसने? हाँ, इसके भाई का नाम भी और इसके एक दोस्त का नाम भी इसमें आ रहा था, जिसने इसको भागने में मदद की है। और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी और बाकी जो डिटेल्स अवेलेबल थी, इसके आधार पे इसके भाई का नाम भी इसमें आ रहा है। थाने से पीछा कर रहा था उसका या सिग्नल के पास अचानक? हाँ, वो अभी एक्चुअली इंट्रोगेशन का और पूछताछ का विषय है कि उसको भगाने के लिए उसका प्रयास कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि उसने मौका देख के, उसको लगा कि अभी कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है गाड़ी में, जो बाकी 4 लोग थे, चूँकि 4 लोगों को जेल वाहन में ले जाकर दाखिल कराने में समय लगता है और वो रास्ता भी बहुत लंबा है, तो उसमें हाँ उसके लिए जाँच के आदेश कर दिए गए हैं। उसके बाद जाँच के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर स्कूटी से ये पीछा करता रहा, बस में बैठा, फिर मिसरोद और रातीबड़ के रास्ते होते हुए सीहोर गया है, फिर बाद में स्कूटी में, इस तरह की बात आई सामने? हाँ, इसके भाई का रोल तो इसमें सामने आ रहा है, बट उसमें उसको भगाने में कितनी डिटेलिंग उसने क्या की है, क्या मदद की है, वो अभी विवेचना का विषय है, हम लोग उसको करेंगे। हाँ, इसका फ़ोन यूज़ हुआ है सर, हिरासत में कस्टडी? दरअसल जो अभी फिजिकली पता लग पाया है कि वो बंदा पाकिस्तान का है, उसके अलावा जो बिनेंस का अकाउंट होता है, जो क्रिप्टो करेंसी का है, उस पर फिज़िकल लोकेशन अभी हमारे पास नहीं आ पाई है। उन अकाउंट्स में जिनमें पैसा गया है उसमें कुछ इंडिया के भी हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनके नाम पढ़ के लग रहा है कि वो इंडिया के नहीं हैं, तो वो चीज़ अभी ऑथेंटिकेट करना बाकी है। और वो जो अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी हमने इनके जो क्रिप्टो का एक्सचेंज है उससे मेल करके मंगानी बाकी है, तो उससे वो पता लगेगा कि किन अकाउंट से पैसा आया और फिर यहाँ से किन किन अकाउंट में पैसा गया है। चलो भाई।